तो दोस्तों, बचपन में हम लोग बहुत कार्टून देखते थे और कार्टून हमारा फेवरेट था। जो उनमें से हम लोग ये देखते थे, ये नहीं, हटाओ इसे, हटाओ जल्दी जल्दी, जैसे कि सिंचन, डोरेमोन वगैरह वगैरह। टॉप 10 सिंचन मूवीज दैट एवर वॉच्ड। तो अब 10वें नंबर पे है सिंचन द मसाला स्टोरी। तो ये मूवी रिलीज हुई थी 19 अप्रैल 2003 को और इसके डायरेक्टर है टोस्टोमु मिसुशिमा। मुझे माफ कर देगा अगर मैंने गलत नेम लिया होगा। 9वें नंबर पे है सिंचन द मूवी हिमावरी बनेगी राजकुमारी। तो ये रिलीज हुई थी अप्रैल 14 2012 में और ये जापान में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर हैं सोशी मासोई। तो 8वें नंबर पे है सिंचन द मूवी विलन और दुल्हन। तो ये रिलीज हुई थी 17 अप्रैल 2010 को और इसे डायरेक्ट किया था अकीरा शिंगिनो। तो 7वें नंबर पे है सिंचन द मूवी स्पाई। तो ये रिलीज हुई थी 16 अप्रैल 2011 को जापान में और इसके डायरेक्टर भी हैं सोशी मासुई। तो 6 नंबर पे है सिंचन द गोल्डन स्वॉर्ड। तो ये रिलीज हुई थी 19 अप्रैल 2008 को और इसके डायरेक्टर हैं मित्सुरु होंगो। तो नंबर 5 पे है सिंचन इन डार्क टमाटामा थ्रिलिंग केस। तो इसकी रिलीज 17 जून 2012 इंडिया में हुई थी और इसके डायरेक्टर है केची हारा। नंबर 4 पे है सिंचन द एडवेंचर इन हिंडरलैंड। तो ये रिलीज हुई थी 19 अप्रैल 1996 जापान में और इसके डायरेक्टर हैं मित्सुरु होंगो। तो नंबर 3 पे है सिंचन बंगल इन जंगल। तो ये रिलीज हुई थी 1 अप्रैल 2011 को इंडिया में और इसके डायरेक्टर है केची हारा। तो नंबर 2 पे है सिंचन द मूवी एक्शन कामिन एंड हाइगुरे राक्षस। अरे दोस्तों, मैंने इसे बहुत ढूंढा लेकिन इसका रिलीज डेट और डायरेक्टर के नाम नहीं मिल रहे हैं। तो नंबर 1 पे है सिंचन द मूवी ट्रेजर्स ऑफ बुरी बुरी किंगडम। तो ये रिलीज हुई थी 23 अप्रैल 1994 को और इसके डायरेक्टर हैं केची हारा और मित्सुरु होंगो। आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने किसी डायरेक्टर का नाम गलती ले लिया हो और मूवीज़ को अकॉर्डिंग वाइज नहीं रखा हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।